पंडा जी ये बताएंगे आप कि आपसे करीब 12 साल स्वामी जी का संपर्क रहा यहाँ पर अयोध्या फैजाबाद में, इस दौरान आपकी उनसे काफी भेंट हुई और उन भेंटों के दौरान उन्होंने आपसे किन किन विषयों पर बातचीत की? आध्यात्मिक विषय पर तो अधिक बातचीत होती थी, दवा इत्याद के बारे में भी बताते थे। हमारी स्त्री लड़की बीमार थी, उस वक्त भी उनकी अपार कृपा रही थी, उन्हीं की कृपा से वो दोनों अच्छे भय तो उनका प्रत्यक्ष हमने अध्यात्म का दर्शन किया। और वो अपने मन से जिस भी विषय की जो मूड उनका कभी आता था उस विषय की वो चर्चा किया करते थे। उसमें कभी पहाड़ के ऊपर हिमालय आज की चर्चा हो, चाहे तंत्रशाला जो तिब्बत में है उसकी चर्चा हो, ये सब चर्चाएं वो अपने मन से ही किया करते थे। और कभी जापान या रूस की चर्चा हो, ये भी वो अपने मन से कि हम ये शरीर जो है वो काफ़ी बाहर के देशों में भ्रमण किए हैं और वहाँ के बारे में हमको ज्ञान। इस तरह के बाहर के देशों में विशेष रूप से किन देशों का नाम लिया करते थे? जिस संबंध में उन्होंने कहा होगी यह शरीर इस देश में भी गया है, अच्छा उन्होंने जर्मनी की चर्चा की थी और जापान की चर्चा की थी, तिब्बत की चर्चा करते थे और हिमालय वगैरह बर्मा वगैरह की बात करते थे। उन्होंने कभी रूस की भी चर्चा की थी? चर्चा में रूस की भी चर्चा शायद की थी। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उन्होंने कभी इस तरह की बात भी की थी कि यह शरीर रूस में भी गया है या रह चुका है, या इस तरह की कभी कोई बात उन्होंने की? इस बारे में क्या कहें, इस बारे में स्पष्ट हम ये मतलब जो याद आता है बहुत पुरानी बातें हैं कि जो विषय चलाते थे बोलते जाते थे वो रहता था, जो जैसी चर्चा करते थे। अब इतना ही तो याद नहीं था कि किसी दिन सब हमको याद करके सुनाना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि बातचीत के दौरान उन्होंने कभी देश की राजनीति की स्थिति पर उन्होंने कोई चर्चा की हो, या भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर वो चर्चा करते हो? इस तरह की चर्चा हमसे नहीं करते थे, मतलब ऐसे वो ये कहते थे अखबार वगैरह पढ़ते थे, कोई समाचार होता था, कोई चर्चा का विषय होता था कि आज ये छपा है, आज ये हो रहा है, इसका ही लाइन गिरने की बात आई, उसके विषय में जब चर्चा शुरू की तो अध्यात्म से उसको जोड़ दिया उन्होंने, ये इस तरह से होता है, वो इसका ही लाइन भारत में नहीं गिरेगा, भारत वालों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बाहर ही बाहर रह जाएगा, इस तरह की चर्चा करते थे, उसी चर्चा में इस तरह की बात आती थी। अच्छा, वॉज ही वेरी क्लोजली इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट इवेंट्स, जो तुरंत की जो घटनाएं हुआ करती थी राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की, उसके बारे में भी कभी वो चर्चा करते थे? अखबार में कोई खास बात निकलती थी उसकी बात ऐसे कहते थे, लेकिन कुछ विशेष रूप से नहीं कहते थे कि देखो अखबार में ये हो रहा है, ये ऐसा इस देश में हो रहा है। अच्छा, कभी उन्होंने इस तरह की भी चर्चा की कि असम में जो झगड़ा हुआ था या किसी अन्य पंजाब में झगड़ा हुआ था या नागालैंड में झगड़ा हुआ था, तो वहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति पर भी उन्होंने कोई अपनी टिप्पणी की थी? भारत विभाजन के वक्त कश्मीर में जो मार काट भई थी उसकी चर्चा उन्होंने की थी, असम वगैरह की चर्चा उनको ध्यान नहीं है। आपसे जब उन्होंने इस तरह की चर्चा की तो कश्मीर के झगड़े की या अन्य किसी झगड़े की, तो उस समय उन्होंने बंटवारे को लेकर कोई बात करी थी? बंटवारे से वो छूट धराते थे, वो कहते थे भारत को सच्ची स्वतंत्रता तो मिली नहीं, भारत माता का अंग कट गया। सच्ची स्वतंत्रता से उनका क्या मतलब था? समझते थे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, हमारा मतलब यही था उनके कहने का भाव। तिब्बत की क्या चर्चा उन्होंने की थी? तिब्बत की तंत्रशाला में उन्होंने कहा था कि यह शरीर तिब्बत की तंत्रशाला में भी रहा है, जहाँ मुर्दे दो दो से तीन तीन से चार चार से वर्ष के मुर्दे खड़े रहते हैं 100-200 की संख्या में, और उनसे क्रियाएं कराई जाती हैं, हजार हजार पर 5-5 सदस्य के वहाँ पर तपस्वी लोग रहते हैं
और वो क्रिया करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्या आपसे कभी उन्होंने जापान में हुए उस प्लेन क्रैश की भी चर्चा की थी जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मृत बताया गया? वो इसकी चर्चा शायद ऐसे की थी उन्होंने कि वो जहाज वहां से जिस समय उड़ने की बात कही जाती है उस वक्त वो जहाज उड़ा ही नहीं वहां से उस टाइम पर, न वहां के लॉग बुक में वो चढ़ा हुआ है, वहां के लॉग बुक में बात कही नहीं है। तो और उसके पहले ही वो आदमी वहां से बाहर 2 दिन पहले ही बाहर पहुंच गया था, तब ये इस तरह की ऐलान या घोषणा की गई थी कि ऐसा हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। ये चर्चा शुरू कैसे हुई थी क्या आपको कुछ स्मरण है? ध्यान नहीं है, किसी विषय पे शुरू भई होगी और ये बातें उस वक्त भाई क्योंकि वो खुद ही शुरू करते थे, जो बात शुरू करते थे हमको पूछने का, किसी को भी पूछने का उनसे कोई अधिकार नहीं रहता था। कितना आध्यात्मिक हम लोगों को भय रहता था उसका, वो जो कहने वही सुन लेते थे, या उसमें कुछ पूछना भया तो पूछ ली, तो उसमें जो कहे उसको भी सुन ली। ये जो आपने क्या कोई ऐसा महसूस किया कि 23 जनवरी को उनके यहाँ कोई समारोह मनाया जाता था? अब वही पूजा आरती होती थी, मिठाई उठाई बरती रही, कुछ लोग आते रहे बाहर के कोई बंगाल इत्यादि से, और हम लोग जब से जान पाए थे पूजा कोई होती है 23 तारीख को, हम लोग भी करीब हो जाते थे, हम हमारी स्त्री भी करीब हो जाते थे, तो भी समझते थे कि 23 जनवरी को पूजा होती है। उस पूजा में क्या होता था? पूजा में भीतर से मिठाई हम लोगों को आती थी, धूप दीप आरती हम लोग करते थे बाहर से, उस टाइम में फूल गुलदस्ता ये सब दिया जाता था, माला वाला ले जाते थे, वो थाली में सामान ले जाते थे, माता जी को दे देते थे, और माता जी उस सामान को भीतर लेके जाती थी, वो फूल माला उनका अपना देती थी, प्रसाद देती थी, फिर थाली हम लोगों की वापस कर देती थी, वहां से आके भीतर से फूल माला हम लोगों के और लोग जो बैठे रहते थे सबको गले में माला वाला डालती थी, और प्रसाद वगैरह देती थी, चंदन वगैरह मस्तकों पर लाके भीतर से लगाती थी। स्वामी जी को किस तरह की माला विशेष रूप से आप लोग चढ़ाते थे? हम लोग तो जो बाजार में उपलब्ध होती थी वही माला चढ़ाते थे, लेकिन स्वामी जी को जो कलकत्ते से माला आती थी वो गुलाब की आती थी, गुलदस्ता जो आता था लाल गुलाब का आता था, और स्वामी जी खुद कहा करते थे कि मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है, बल्कि हम लोग जब दूसरी माला लेके जाते थे तो हमारी स्त्री को कहते थे यशोवत भैया लाल गुलाब का फूल तो लाई हो, इसको गु नहीं सकी, गु करके इसको लाना चाहिए था, पिलो करके लाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग लाल गुलाब जानते थे इनको पसंद है, तो कुछ छुट्टे फूल जब भी फूल जो उपलब्ध हो जाते थे थाली में रख के भीतर भेज देते थे, और माला जो बाजार में चाहे गेंदा की हो चाहे जिस चीज की हो उपलब्ध चीजें जो होती थी वो देते थे। गुलाब की माला प्योर यहाँ मिलती नहीं है अयोध्या में, इसलिए उस माला के मिलने का सवाल। अच्छा पंडा जी, ये बताएं आप कि भगवान जी के यानी कि स्वामी जी के शरीर छूटने का समाचार आपको कैसे पता चला? ये हमको 18 तारीख को, 18 मतलब कहने का सितंबर, 18 सितंबर को, हाँ करीब 11:30 बजे 11:15 11:30 के लगभग ये समाचार है। किसने दिया आपको? तो हमारे मोहल्ले में एलएन सिंह रहते हैं, वो मोटरसाइकिल से आए और मैं नए घाट पर था, वहाँ जाके उन्होंने हमको कहा और ये कहा कि हमने महात्मा जी को भी इत्तला कर दी है और 2 बजे तक उनकी अर्थी उठ जाएगी, तो अगर दर्शन करना हो तो आप लोग चलिए। तो हमने कहा भाई ये इत्तला आप किसके तरफ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम मोहल्ले में रहते हैं, वह आपका संपर्क था, हमारा कर्तव्य था कि हमने हम आपको मतलब इस बात को कहें। तो आपने उनसे ये पूछा कि उनको किसने सूचना थी? हाँ उन्होंने कहा कि हमको कल ही ये सूचना डॉक्टर मिश्रा के लड़के से मिली थी, मैं डिग्री कॉलेज में इम्तिहान दे रहा था लाकर वहीं वो आए थे और हमको ये सूचना उन्होंने दी, उन्हीं के साथ हम वहाँ गए। तो हमने कहा कि भाई कल आपने ये बात हमको क्यों नहीं बताई, कहीं हमको मौका नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली, इस तरह की बात हुई। और तो दुखी हो गए थे और दुखी होकर हम वहाँ से आए और हमारी स्त्री और हम लोग फैजाबाद तो चल दिए, महात्मा जी और महात्मा जी की स्त्री ये लोग भी फैजाबाद हमारे पहुँचने के 10 मिनट 15 मिनट पहले वहाँ पहुँच चुके थे। तो महात्मा जी वहाँ वो सिक्की जो बांधी जाती है
लाश उठाने के लिए, वो बांस वास छीन करके बांधने का कार्यक्रम कर रहे थे, बांध रहे थे। आप लगभग कितने बजे राम भवन जो है पहुंचे? 12:15 रहा होगा, 12:15 बजे आप वहाँ पहुँचे। 12:30 के अंदर जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा वहाँ पर? भीतर हम गए जहाँ बाडी रखी थी, जो उनका कमरा था, उस कमरे में बाडी एक बर्फ के सिल्ली पर रखी हुई थी, और उसी के बगल एक चौकी थी, उस पर डॉक्टर साहब की एक लड़की, डॉक्टर आती उस तरह की लड़की वो बैठी हुई थी, और वो हाथ में उसके स्प्रे था जो खुशबू का होता है, और वो बाडी के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर पर छिड़क देती थी, और लोग आ रहे थे जा रहे थे। अच्छा, ये जो शरीर स्वामी, कौन लोग आ रहे थे, कौन लोग जा रहे थे? बूढ़ा थी, डॉक्टर बनर्जी की बीवी थी, चार छह आदमी भीतर थे और चार छह आठ आदमी बाहर थे। मतलब ये जो चार पांच इनके नजदीकी लोग थे, इन्हीं का परिवार, इन्हीं के परिवार के लोग थे। वही कृष्ण गोपाल की एक मस्टराइन है, वो उनकी कौन लगती है तो हम न बता पाऊंगे, स्त्री अकाली जो हो वो भीतर थी, ये लोग सब भीतर बाहर आ जा रहे थे। माता जी थी, राजकुमार थे। अच्छा, ये जो उनका शरीर पड़ा हुआ था स्वामी जी का, वो शरीर कपड़े से ढका हुआ था? हाँ, चंदर से ढका हुआ था, गेरुआ वस्त्र के कपड़े से, जैसा वो कपड़ा पहनते थे, जैसा उनका पर्दे का रंग आपने बाहर देखा होगा उसी तरह। इस जो उनके कमरे पर्दा पड़ा हुआ था उसका रंग क्या है? गेरुआ रंग है, जो सन्यासियों का रंग होता है, वो अपने को दशमानी सन्यासी कहते थे। कहीं ये भी चर्चा आई थी कि वो जो स्वामी जी का शरीर पड़ा हुआ था, वो शरीर कुछ फूल गया था या कोई और ऐसी बात थी? शरीर तीन रोज, तीसरा दिन था, 16 को उनका शरीर शांत हुआ था, 16 बीता, 17 बीता, 18 बीता, और 18 को शरीर तो ऑलरेडी खराब हो जाना चाहिए ही, और सूजन उजन उसमें आई थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें सूजन है। बट इफ द बॉडी इज कवर्ड, हाउ डज इट नो इट्स स्वेलिंग? जब स्वामी जी का शरीर कपड़े से ढका हुआ था चादर से, तो आपको कैसे लगा कि उनके शरीर में सूजन आ चुकी है? वो ऐसा दूर से देखने से ही मालूम होता था कि लाश सूज गई है, और लोगों ने बताया भी कि कल शाम तक तो बाजी ठीक थी 24 घंटे तक, और 24 घंटे के बाद बाजी में वो कुछ बदबू भी आना शुरू हो गई, और मच्छी वगैरह भी दिखने लगी, और शरीर विकृत होने लगी। Was he sure that this was the body of the same Swami? क्या आपको ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि वो बॉडी उन्हीं स्वामी जी की थी जिनके पास 12 वर्षों से लगातार आप नियमित रूप से जाया करते थे? ये तो वहाँ बॉडी हमको खोल के देखने दिया गया नहीं, और हमने चाहा कि इनका दर्शन करें तो वहाँ मना किया गया, तो हम इस बारे में ये कैसे कहें जो चीज ढकी है उसके बारे में? किसने आपको मना किया? Who asked you? Who had asked him not to see? Who had sort of come in between him and to see the last darshan? जब आपने अंतिम दर्शन करना चाहा, तो किसने आपको ऐसा करने से रोका? वो आरती मिश्रा और उनकी लड़की ने, यार उसको जैसे है तैसे रहने दीजिए, और वो ठीक है। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि जिस समय आप वहाँ पहुँचे तो उनकी जो बूढ़ा यानी कि उनकी जो मेड सर्वेंट हैं सरस्वती देवी, उनकी क्या स्थिति थी? जो रोर हम लोगों से पहुँचने पर पकड़ के रोने लगी, तड़प तड़प करके चिल्लाने लगी, और यही सब कहने लगी कि क्या होगा, आप तो जौन हो रहा तौन हो गवा, और सब बात खत्म हो गए, और तो रो रही थी, परेशान थी बिल्कुल। पंडा जी, आप ये एक प्रश्न हमको बताएं जरा सा, एक प्रश्न का उत्तर, कि जब वहाँ पर आपको उनका दर्शन करने से मना किया गया, उसके बाद आप वहाँ से कहाँ गए? हम बाहर सड़क पे चले गए, बाहर सड़क पे डॉक्टर रहा है, और डॉक्टर बनर्जी और शुक्ला और श्री चंद्र सोगी होती, डॉक्टर खड़े होती, ये लोग तो सड़क पर बाहर बैठे थे सिपाही पर, तो यही चर्चा चल रही थी कि देखो कहाँ है कि वायरलेस किया है, ऊपर गत्ते वालों के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पता लगा कि वायरलेस नहीं किया गया है, हम लोग अभी गए थे पता लगाए हैं कि कोई बात कहीं से नहीं पता लग रही है, इसमें बात का धोखा है कुछ। आपसे किसने कहा कि वायरलेस किया गया है? वही डॉक्टर बनर्जी और इन्होंने डॉक्टर राय ने। तो आपसे ये किस, आपको क्या ये बताया कि किसने वायरलेस किया है? डॉक्टर साहब के बारे में बताया, डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर आर पी मिश्रा
सामने वायरलेस किया है और तार किया है, और ये भी कहा गया कि वहाँ वहाँ के किसी उच्च अधिकारी ने उस वायरलेस को रिसीव भी किया है, वो लोग आ रहे हैं कलकत्ते से। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठी, और हमने महात्मा जी से तुरंत कहा कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो ठीक है। पंडा जी, आप स्वामी जी के अनन्य भक्तों में से रहे हैं जी, तो वहाँ पर आपने पहुँचने के बाद जब आप सड़क पर निकल आए तो आपने उन लोगों से स्वामी जी की अंतिम क्रिया के बारे में भी कुछ जानकारी जरूर प्राप्त की होगी कि क्या इंतजाम किया जा रहा है और कैसे होगा और क्या होगा। वो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और हमने देखा कि दो ठो पंडित भी अयोध्या से पहुंचे थे वहाँ, जिनको ये पता लगा कि राजकुमार ने अयोध्या से उनको बुलाया था, और उन पंडितों को डॉक्टर मिश्रा ने गुप्तार घाट पर दो स्कूटरों पर बैठा के किसी के और रवाना कर दिया था कि आप लोग चल के चिता वगैरह की व्यवस्था करें। तो आपने जब गुप्तार घाट का नाम आया तो आपने ये पूछा होगा कि गुप्तार घाट क्यों ले चला जा रहा है? हमने कहा कि अयोध्या ही ले चला जाए, क्योंकि अयोध्या में रहे, अयोध्या पर इनका स्नेह था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या नहीं, यही ठीक है। तो खामोश थे, क्योंकि उन्हीं वही सर्वे सर्वा थे, और वही उन्हीं का हुक्म उस वक्त सर्वोपर था, कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पा रहा था। उस टाइम एट दैट टाइम हु वाज इन कमांड, डॉक्टर मिश्रा और मिस्टर बैनर्जी और डॉक्टर बैनर्जी, हूएवर ही वाज। ये उस समय सारी परिस्थितियों का संचालन कौन कर रहा था? राजीव मिश्रा। अच्छा, जिस समय गुप्तार घाट की बात हुई तो क्या आपके मन में ये कौतूहल नहीं जागा कि गुप्तार घाट पर किसी की अंतिम क्रिया आज तक नहीं की गई है? ये सब इस बारे में हमें जानकारी थी कि वहाँ अंतिम क्रिया होती है कि नहीं होती, हम तो दुखी थे, परेशान थे, और इन लोगों के प्रपंच देख करके और इधर उधर देख करके हमारा दिमाग ठीक काम कर नहीं रहा था, ये लोग क्या अंडक बंडक कर रहे हैं। Asking them how the arrange for the matter of came what matter of came how the body was क्या आप ये बताएंगे कि उनका शरीर जो है वो किस प्रकार वहाँ गुप्तार घाट तक ले जाया गया, और उनके शरीर को गुप्तार घाट ले जाने से पहले और क्या क्या वहाँ पर हुआ? और हमने तो उस बगल लास्ट बर्फ देखी थी, उसकी थोड़ी देर के बाद जब बंद बंद गई थी तो 1 बजे 1:30 बजे के करीब उस तिथि को बर्फ पर से बाड़ी को उठा करके और उसमें बांध बांध करके डॉक्टर साहब ने उसको बाहर आंगन में रखा दिया, तैयारी करके बिल्कुल फूलमाला इत्यादि लगा के और रख दिया, जबकि यह था कि 3:30 4 बजे चला जाएगा। फिर ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि क्या कारण था कि बर्फ की सिल्ली से लाश को उठा के धूप में रख दिया गया, और इतनी जल्दी और इतनी घबराहट क्या थी। लेकिन हम इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों का सुपरविजन था। और उसके बाद 3:15 बजे के करीब है एक मेटाडोर आई पुरानी, और उसमें लाश रखा, हम लोग सड़कें पे थे। मेटाडोर का रंग क्या था ध्यान नहीं है इस वक्त, पुरानी मेटाडोर थी। नंबर भी नहीं देखा आपने? नहीं, नंबर भी नहीं देखा, अब उस वक्त ये ध्यान नहीं है कि मेटाडोर तो नंबर क्या था, इधर नंबर देखने की आवश्यकता, क्योंकि एक बेटा डोर आई और उसको बाडी डोर रखी और लाके सड़क पे हम लोगों को कहा आइए बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए, हम लोग जल्दी कूद के पीछे बैठे और डॉक्टर साहब आगे डॉक्टर ड्राइवर के बगल में बैठे। अच्छा, उससे पहले भी कुछ लोग ये बताते हैं कि लोगों को, जो लोग बाहर के लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते थे उनको ये बताया गया कि अयोध्या उनका शरीर ले जाएगा जाएगा, कुछ लोगों को ये बताया गया कि उनका शरीर फैजाबाद में जमथरा की ओर ले जाया जाएगा, क्या ऐसा सही हुआ? ये इसकी जानकारी नहीं है हमको, जो बताया गया वो हमने बता दिया कि गुप्तार घाट ले जाया जाएगा। गुप्तार घाट के लिए कितने बजे वहाँ से यात्रा शुरू हुई? करीब 3:15 3 किलोमीटर। गुप्तार घाट जब के लिए जब आप लोग चले तो उससे पहले क्या आपने डॉक्टर मिश्रा से एक बार अंतिम अनुरोध नहीं किया कि उनके आपको स्वामी जी का चेहरा देखने का या उनके दर्शन करने की अनुमति वो दें? वो आगे बैठे थे, हम लोग मेटाडोर में पीछे बैठे थे, तो हमारे मन में जिज्ञासा तो जगी। और जब क्या जिज्ञासा जगी? कि मतलब इनका अंतिम दर्शन किया जाए, आज तक नहीं दर्शन ऐसे भया, तो अंतिम दर्शन तो हर आदमी का किया जाता है जो होता है, तो महापुरुष इनका भी अंतिम दर्शन किया जाए। तो हमने महात्मा जी वहाँ सिरहाने बैठे थे बाडी पे, तो मैंने उनसे कहा यार जरा चंद्रमा हटाओ तो दर्शन कर लीन जाए, बस समय आ गया, करीब यात्रा पहुँच रही है। इन्होंने प्रयास किया तो वहाँ डॉक्टर का लड़का बैठा था, उसने विरोध किया,
कुछ नहीं। उसका नाम क्या है डॉक्टर साहब? कुछ छोटा लड़का है, अनुपम, अनुपम शायद नाम। फिर क्या हुआ? फिर घाट के पास हो लगभग पहुंच गई हो तो रास्ता बताने के लिए अनुपम और उसके साथ एक आदमी जो थे वो उतर गए और रास्ता बताने चले गए, तो फिर हमको क्रोध आया, ये तो बड़ा गजब कर रहे हैं ये लोग। और डॉक्टर राय भी उसमें थे हम लोगों के साथ, और मास्टर भी थे, तो शुक्ला भी थे, 5-7 आदमी हम लोग पीछे थे, राजकुमार भी थे। तो हमने फिर राजकुमार को कहा कि राजकुमार जी उठाओ यार, अब बिल्कुल पहुंच गए थे दर्शन तो पहले ही जाए, तो उतर गए जब विरोध करते हैं। तो राजकुमार ने झट से कपड़ा हटाया और यहाँ नाक तक देखा तो चेहरा एकदम सूज गया था, फूल गया था और बिक्री पैसा हो गया था। वो तुरंत उन्होंने ढक दिया, हमने कहा ढाक दो, हमने हाथ जोड़ा और अब वो चेहरा रहा जो विकृत हो गया, सूजन आ गई, तो चेहरे के बारे में हम क्या बताऊं। उस चेहरे का आपको जो चेहरा आपने कुछ क्षण के लिए देखा वो उसका कुछ वर्णन कर सकते हैं आप, किस रंग का था और उनका उनके सिर पे बाल थे कि नहीं थे, किस प्रकार के थे, उससे उनकी उम्र क्या लगती थी? उम्र तो उनकी पहले से अंदाज थी कि मतलब 90 के लगभग रहे होंगे। वो खुद ही कहा करते थे हमारा वृद्ध शरीर है, पैर काम नहीं करता, पैर में चोट लग गई है, उठ बैठ नहीं पाते थे, पैरों में दर्द हुआ करता था, चिल्लाया करते थे, वो माँ उमा किया करते थे। और इधर 2 साल लखनऊ मंदिर में गिर पड़े थे, तब से वो टट्टी पैखाना चलने फिरते असमर्थ हो गए थे। फिर महात्मा जी ने उनके बारे में कुर्सी वगैरह बना के दी थी, उसी पर बैठ के पैखाना वगैरह करते थे, और माता जी ही उनको पैखाना कराती थी, पैखाना उठाती थी, वो सब व्यवस्था माता जी करते थे। अच्छा, तो उनका रंग आपको किस प्रकार का दिखाई दिया? रंग एक मिनट में पीला पीला ऐसा रहा, और कैसा रंग रहा। उनके बाल के बारे में कुछ बता पाएंगे? तो एक बार कहीं दिखलाई पड़ा, सफेद बाल था सामने सिर, उनके सिर पे बाल थे या नहीं? नहीं, ये सामने एक गंजा था, ये चंदूर जैसे माथे के ऊपर होता है, ये हिस्सा ऐसे साफ ऐसा था। उसके बाद जब वो गाड़ी जो है वो गुप्तार घाट सीता के पास पहुंची, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? सीता एकदम तैयार थी, वहाँ लकड़ी की पंडित लोग 2 मौजूद थे, और गाड़ी खड़ी भाई, हम लोग पीछे लाश को उतारे, उतार के ले गए बगल में रखे। तो हमने सोचा कि शायद यहाँ स्नान वगैरह कराओ, कुछ धार्मिक तीर्थ हो जैसा हिंदुओं में किया जाता है। तो कुछ नहीं किया गया, ना स्नान कराया गया, झट से बाडी को जल्दी से घबराहट में, ऐसे जल्दी से उसको घबराहट में डाल दिया, जल्दी करो जल्दी करो। ये किसने घबराहट में, घबराहट किसको थी? डॉक्टर डॉक्टर आरती मिश्रा को घबराहट, जल्दी करो जल्दी करो। तो सबने जल्दी से खोल करके उसको उठा के बाडी उस पर रखा, जल्दी लकड़ी रखो जल्दी लकड़ी रखो। तो राजकुमार ने हाथ पे जब जल पुष्प ले करके संकल्प करने का प्रयास पंडितों द्वारा किया कि इनकी क्रिया का संकल्प इत्यादि कर दें, सिराने खड़े होते, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी जोर से उनके हाथ में अपने हाथ को मारा, और मारने के बाद कहा क्या दादागिरी करते हो, और कुछ उनके हाथ से उतनी दूर गिरा, पंडित लोग आवाज कर गए। और उसके बाद झटपट लकड़ी वकड़ी रख करके और आग लगा दी। उनकी चिता को किसने आग लगाई? उनकी चिता को जो जितने वहाँ भक्त उनके थे 10-12 आदमी, वो सभी लोग लग करके अपना खर ले करके घूम घूम करके सभी ने अपना सगर्मा करके उनका लगा दिया। अच्छा, मतलब जितने उनके शिष्य लोग वहाँ मौजूद थे, भक्त लोग, प्रेमी लोग, उन सभी लोगों ने जो है वो आग लगाई वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? चिता कब तक जलती रही और कब तक आप सब लोग वहाँ रुके रहे? करीब 7:30-8 बजे तक, 8 बजे के करीब है, 8 बजे के करीब है लाश आग बुझाई गई रात में। रात में कितने बजे चिता में आग लगाई गई थी? 4:30 बजे थी, और जल भी दृष्ट हो रही थी उस वक्त, जल भी गिरने लगा, हम लोग सब भीग भी गए थे, लेकिन चिता के ऊपर उस पानी का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। चिता के अराउंड द फायर, वाज इट डायरेक्टली ऑन द ट्री और वाज इट ऑन एक्सपोज्ड ग्राउंड? ये जो जो चिता थी, ये चिता बिल्कुल खुले मैदान में थी या किसी पेड़ वगैरह के नीचे थी? कुछ पेड़ की छाया भी थी। कुछ पेड़ की छाया थी। ये जो स्वामी जी की जो चिता जलाई गई वो एक तरह से डॉक्टर मिश्रा के निर्देश पर ही ये सब कार्य हुआ? हाँ, सारी सारी जिम्मेदारी और सारा आदेश और सारी हुकूमत उन्हीं की। Where was Mr. Banerjee?
उसमें डॉक्टर बैनर्जी कहाँ थे? वहीं थे। What was he doing? Was he silent or was he silent spectator? वो डॉक्टर बैनर्जी साहब उस समय केवल चुपचाप खड़े हुए थे। Because he was one of the few people who had seen him and his family. वो डॉक्टर राय ये लोग सब आपस में कोई इधर कोई उधर बैठ के फुसफुसर अपना सब कर रहे थे। हर आदमी दो दो तीन तीन के संख्या में अपना बातचीत आपस में कर रहे थे। अच्छा, तो जिस समय चिता उनकी जल रही थी उस समय डॉक्टर बैनर्जी साहब दूसरे लोगों के साथ चुपचाप बैठे हुए थे? भाई साहब वो टहल भी रहे थे, चल भी रहे थे, कभी दस कदम उधर जाके बात करते थे, कभी गुप्तार घाट मंदिर की तरफ भी चले जाते थे हड़िया उड़िया लेने के लिए और फिर उधर से आते थे। आपसे भी कोई बात की थी? हम सबका सुनते रहे, किसी से बात नहीं करते रहे, तो अपना दुखी रहे। हमने कहा देखो जहाँ 13 आदमी हैं हम लोग, कहाँ 13 लाख आदमी होने चाहिए थे इस महामानव के इसमें। 13 थे कि 19 थे? 13 थे उस वक्त जब हमने गिना था, जब हमने गिना था उस वक्त 13 थे, दो तीन आदमी आते जाते थे। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि जिस समय स्वामी जी की लाश जलाई जा रही थी उस समय डॉक्टर मिश्रा से आपने ये पूछा कि स्वामी जी की लाश को जलाया क्यों जा रहा है, सन्यासी धर्म की तरह उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा? आप उससे उनसे जो कर रहे थे वो देख रहे थे और ये समझू नजारे नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम कलकत्ता वालों का इंतजार कर रहे हैं और एक तरफ 4:30 बजे चिता में आग लगवा दी उन्होंने, जबकि गाड़ी उस दिन 1.5 घंटे लेट थी। चिता जलने के दौरान कोई विशेष घटना स्वामी जी की चिता के साथ घटी? कुछ क्षणों ऐसा लगा कुछ देर तक आधी से ज्यादा चिता जल जाने के बाद कि जैसे स्वामी जी का चेहरा बिल्कुल हम लोगों की तरफ ऊपर जरा सा उठ के जैसे खड़ा सा हो गया हो, केवल मस्तक का हिस्सा गले से ऊपर का, और ये मालूम हो कि प्रत्यक्ष जैसे स्वामी जी दर्शन हम लोगों को दे रहे हैं। जी आप बताएंगे कि फिर लाश जब स्वामी जी की जल गई तो उसके बाद उनकी अस्थियों का क्या हुआ, किसने क्या किया? उस दिन लाश बुता करके हम लोग चले आए क्योंकि अंधकार था और वहाँ नीचे करार था, नीचे हड्डी या राखी वगैरह फेंकने की व्यवस्था नहीं थी। एक गए की व्यवस्था कुछ देर के बाद भाई थी, कोई डॉक्टर का आदमी लेकर के आया था। कौन डॉक्टर था? डॉक्टर राजीव मिश्रा का आदमी, कोई लालटेन गैस है लेके आया था, दो तुलाया था, एक ही जली थी। और उसके बाद हम कांप रहे थे तो हम वहाँ मंदिर के सामने एक चाय की दुकान थी उस जगह चले गए, भट्टी पे कपड़ा सेकने लगे ठंडी से, करीब 8 बजे का टाइम था। और उसके बाद इन लोग बुता उता करके एक आधा घंटा के बाद तब वहाँ से उसी मंदिर पे के सामने आए, वही रास्ता था, तब हम लोग सब पास गए। तो हम उस वक्त बुताते समय नहीं मौजूद थे, यानी हम 10-20 कदम और आगे भट्टी से अपना कपड़ा वगैरह सेक रहे। Can you tell me what was the hurry to cremate him? इस जल्दबाजी का क्या कारण था कि जल्दबाजी में उनको क्रिमेट किया गया, जो संस्कार किया गया? ये कारण डॉक्टर आर बी मिश्रा बता सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसका उचित जवाब वही दे पाएंगे क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में सब हो रहा था, हम लोग तो मूक दर्शक थे। मैंने ये आपसे मूल प्रश्न किया था कि उनकी अस्थियों वगैरह को किसने अंतिम प्रवाह किया है, बटोरा या क्या किया और क्या हुआ उन अस्थियों का? उस दिन तो अस्थियां वैसे छोड़ के सब चले आए, और जैसा मुझे बताया गया कि दूसरे दिन राजकुमार और डॉक्टर आर पी मिश्रा ये सुबह गए हैं और उस स्थान को सब साफ किया है, और साफ करके वहां से अस्थि वगैरह कुछ बोतल वोतल ले गए थे, उसी बोतलों में भर करके ला के उसी कमरे में रख दिया था जहाँ स्वामी जी रहते थे।